अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। और आज हम करेंगे बात होने वाले दो मैचेस की, जिनमें हम दूसरे मैच की बात पहले करेंगे क्योंकि बेचारे साउथ अफ्रीका के साथ बहुत बुरी हुई है और बारिश की तो यार जैसे इनके साथ बहुत पुरानी दुश्मनी चलती हुई आ रही है। मुझे 92 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद आ गया जब इंग्लैंड के खिलाफ इनको सिर्फ 13 बॉल पर 22 रन चाहिए थे और वहाँ पर बारिश हो गई और बारिश के बाद जो कैलकुलेशन हुई उसके मुताबिक उन्होंने एक बॉल पर 21 का टारगेट दे दिया साउथ अफ्रीका को, तो इस तरह बेचारे सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है उनके साथ, लेकिन तब तो सेमीफाइनल था, अभी तो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं। तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रिड्यूस कर दिया था उन्होंने 9 ओवर्स पे, और 9 ओवर में जिम्बाब्वे तो स्ट्रगलिंग ही था, उनके 19 पे 4 आउट भी हो गए थे और फिर कोशिश करते करते कोई मादे विरे था नाम एक बंदे का और एक शुम्बा था, एक तो नाम ही बड़े इनके अजीब अजीब से होते हैं, तो उन्होंने करते कराते 79 रन बनाए और 80 का टारगेट दिया उन्होंने साउथ अफ्रीका को। तो पहली ओवर में डिकॉक भाई ने 23 स्कोर मारा है और इस दौरान हल्की हल्की बारिश तो हो ही रही थी और उनको भी अंदाजा था कि यार जल्दी जल्दी ख़त्म करें, ये ना हो कि दोबारा से कोई कैलकुलेशन करके आ जाएँ और साउथ अफ्रीका का एक पॉइंट ज़ाया हो जाए। लेकिन अभी 1.2 ओवर ही हुए थे कि बारिश फिर से तेज़ हो गई और मैच वहाँ पे एक बार स्टॉप हो गया और कुछ देर बाद वो कैलकुलेशन करके आए हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहले ओवर में 23 मार दिया था तो उसका उनको एडवांटेज मिला और 7 ओवर में जी 64 का टारगेट मिल गया उनको। तो डी कॉक भाई ने आते ही फिर से हिटिंग शुरू की कि भाई किसी तरह जल्दी जल्दी हम ख़त्म करें और 2 ओवर में 40 हो गया था, 3 में 51 हो गया था। पर इसमें मजे की बात ये थी कि दूसरे प्लेयर का स्कोर कुछ भी नहीं था, डी कॉक नहीं खेले 3 ओवर, 18 बॉल्स पे 47 बनाया और कोई 2-3 एक्स्ट्रा था और एक आधा लेग बाय था दूसरे प्लेयर का, तो इस तरह सिर्फ 3 ओवर में 51 स्कोर हो गया था और पीछे 4 ओवर में 13 स्कोर रह गया था कि बारिश ने एक बार फिर से ऐसी तेज़ी दिखाई कि मैच वहाँ पे रुक गया और कुछ ही देर में ऐलान हो गया कि भाई मैच सस्पेंड हो गया और पॉइंट्स आधे आधे हो गए और जिम्बाब्वे को भी एक पॉइंट मिल गया। तो ये थी जी साउथ अफ्रीका की बैड लक, जिसका ऑब्वियसली फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मैच जो हमारा साउथ अफ्रीका के साथ है वो तकरीबन नॉकआउट की तरह का मैच होगा कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान आगे जाने में कामयाब हो सकता है, अगर पाकिस्तान हार गया तो मुश्किल पेश आएगी वहाँ पे। तो बात करते हैं जी दूसरे मैच की, जो नीदरलैंड और बांग्लादेश के दरमियान था, जिसमें नीदरलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और बांग्लादेश ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, 5 ओवर्स में 43 पे उनका कोई आउट नहीं था, लेकिन उसके बाद ज़रा उनका विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ जो कि एंड तक रुका नहीं और साथ साथ थोड़े थोड़े स्कोर भी होते रहे। मीनवाइल आफीफ हुसैन ने कोई 38 रन बनाए और फिर उनके लोअर मिडल ऑर्डर से मुसद्दीक हुसैन भाई ने आके कोई 12 बॉल्स पे 20 रन बनाए, तो करते कराते बांग्लादेश ने 144 रन बनाए। और बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन भाई ने क्या कमाल तस्कीन पहुंचाई अपनी टीम को, पहले ही 2 बॉल पे 2 आउट कर दिए उन्होंने और उसके बाद अंडर प्रेशर कंडीशन में नीदरलैंड के 2 रन आउट भी हो गए, तो 15 पे 4 विकटें जा चुकी थी उनकी और मैच तकरीबन बांग्लादेश के हाथ में जा चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी फाइट की कोशिश की, कॉलिन एकरमैन भाई ने की और साथ में जो एडवर्ड था उनका कैप्टन उसने भी थोड़े स्कोर किए, लेकिन एडवर्ड आउट हो गया और दूसरे एंड से भी जो आ रहा था विकटें गिरती जा रही थी उनकी और जो कॉलिन एकरमैन था वो भी फिर आखिरकार 101 स्कोर था जब उनका तब आउट हो गया और वो 9वां आउट था नीदरलैंड का, तो लास्ट विकेट पे कोई 44 स्कोर चाहिए था, लेकिन उनका जो एक टेल एंडर था वैन मिक्रान उसने कोशिश की, थोड़ी हिटिंग भी की लेकिन क्लोज लेके गया वो और 135 पे आल टीम आउट हो गई, तो 9 स्कोर से भाई बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है। और कल सुपर 12 का सिर्फ एक मैच है जो कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस मैच पे रिव्यू के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।